दोस्तों, मैं हूँ सारा और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किड्स पर। दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का जीवन परिचय लेकर जिन्हें द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला और भारत की बुलबुल भी बोला जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपने इनका नाम तो गैस कर ही लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इनका नाम बता देती हूँ, ये है सरोजनी नायडू। चलिए दोस्तों, जानते हैं सरोजनी नायडू जी के जीवन परिचय के बारे में। पर शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए। सरोजनी नायडू जी का पूरा नाम था सरोजनी नायडू चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके पिता का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और इनकी माता का नाम था बरदा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय। सरोजनी जी का विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ था। इनके बच्चों के नाम थे जयसूर्या, पंजा, नीलावर, लीलामणि और राणा धीरा। सरोजनी जी की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। आइए जानते हैं सरोजनी जी के आरंभिक जीवन के बारे में। सरोजनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। सरोजनी जी के पिता एक वैज्ञानिक एवं डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां उन्होंने हैदराबाद कॉलेज का संचालन किया और साथ ही साथ वे इंडियन कांग्रेस के पहले सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजनी जी की माता बरदा सुंदरी देवी एक लेखिका थीं जो बंगाली में कविताएं लिखा करती थीं। सरोजनी जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमिटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सरोजनी जी बचपन से ही एक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषाओं का अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था। सरोजनी जी के पिता चाहते थे कि वो वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करे, लेकिन सरोजनी जी की रुचि तो कविता लिखने और पढ़ने में थी। सरोजनी जी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और वहाँ किंग कॉलेज में पढ़ाई आरंभ की। इसके बाद सरोजनी जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी सरोजनी जी की रुचि कविता लिखने और पढ़ने में थी। यह कविता लिखने की रुचि सरोजनी जी को अपनी माता से विरासत में मिली थी। पढ़ाई के दौरान सरोजनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई। 19 साल की उम्र में सरोजनी जी ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली और 1889 में अपनी पसंद से डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू जी से दूसरी जाति में विवाह कर लिया। सरोजनी जी के 5 बच्चे थे जिनमें से उनकी बेटी पद्मजा सरोजनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही साथ राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर भी बनी। अब बात करते हैं सरोजनी जी के राजनैतिक जीवन के बारे में। सरोजनी जी ने शादी के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। वह सुंदर सुंदर कविताएं लिखती थी जिन्हें लोग गाने के रूप में भी गाते थे। 1905 में सरोजनी जी की कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद सब उन्हें जानने पहचानने लगे। इसके बाद उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविताएं लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। एक दिन सरोजनी जी बालकृष्ण गोखले जी से मिली और उन्होंने सरोजनी जी को कविताओं में क्रांतिकारी स्वभाव लाने को कहा और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गाँवों के लोगों को प्रोत्साहित करने को कहा। 1916 में सरोजनी जी गांधी जी से मिली। उसके बाद सरोजनी जी की सोच पूरी तरह से बदल गई और फिर सरोजनी जी ने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वह पूरे देश में घूमी और मुख्य रूप से महिलाओं के दिलों में आज़ादी की ललक जगाई और आज़ादी की लड़ाई में आगे आने का प्रोत्साहन दिया। 1925 में सरोजनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गईं। 1928 में सरोजनी जी यूएस से वापस आईं और गांधी जी की अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया।
1930 में सरोजनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी जी ने ही सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी और उन्हें 21 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। 1947 में आज़ादी के बाद सरोजनी जी को उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनाया गया और वह भारत की पहली महिला गवर्नर थीं। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसीं। सरोजनी जी भारत देश की सभी महिलाओं के लिए आदर्श का प्रतीक हैं और वह एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको सरोजनी नायडू जी का जीवन परिचय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।